सियासी स्टंट है ये। अंजना जी, बहुत आश्चर्य होता है, अभी आप गुलाम नबी आजाद साहब का स्टेटमेंट दिखा रही हैं। अरे पीडीपी नेशनल कॉन्फ्रेंस तो रीजनल पार्टीज है ना, मगर गुलाम नबी आजाद तो चीफ मिनिस्टर थे जम्मू कश्मीर के, जब वो दिल्ली दौड़कर आए थे कि अफजल गुरु को फांसी ना दी जाए वरना कश्मीर घाटी में आग लग जाएगी, और वो लोग आज खड़े होकर ये कह रहे हैं कि हम लोगों ने बर्बाद किया है। अरे देखिए साहब, आतंकवाद की वो घटना है जिसको कि तीन फ्रंट पे लड़ा जाता है, एक स्ट्रेटजिक फ्रंट होता है जो आर्मी और सुरक्षा बल लड़ते हैं, एक इकोनॉमिक फ्रंट होता है और तीसरा होता है राजनीतिक फ्रंट। स्ट्रेटजिक फ्रंट पे हमने ऑपरेशन ऑल आउट चलाया इसी सरकार के साथ मिलके, इसी सरकार की रूलिंग में चलाया। इकोनॉमिक फ्रंट पे हमने पहली बार ईडी की कार्रवाई की, वो नेता जो पाकिस्तान से खुले हम पैसा लेते रहते थे, अगर प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई हुई तो हमारी सरकार में हुई और तब जब जम्मू कश्मीर में हमारी सरकार थी। पर जो पॉलिटिकल फ्रंट है उसके ऊपर जब दो दो वॉइस रहती है, जब राष्ट्रीय दलों के लोग भी आतंकवाद का समर्थन करते हुए नजर आते हैं, उनके ऑफिशियल ट्वीट्स अवेलेबल हैं, और वो आकर जब आज इस प्रकार का भाषण देते हैं तो मुझे बहुत ज्यादा आश्चर्य होता है और ये मुझे बड़ा विचित्र लगता है। सरकार चल रही थी तो भी गलत था, अब हमने सरकार तोड़ दी तो भी गलत है, मतलब ये तो साफ बात हो गई कि वो जिसे कहते हैं ना वो शेर और मेमने वाली कहानी, ये किया तो भी गलत और वो किया तो भी गलत। अरे मैं पूछता हूँ, गलत तो वो था जो मुसलसल 60-65 साल से हो रहा था, एक ईमानदार कोशिश की ये सरकार नहीं, उसके अनुरूप परिणाम आए, हमने दूसरा निर्णय लिया, बड़ा निर्णय लिया। मगर मैं फिर कह रहा हूँ, जिन लोगों ने ऐसे ऐसे बयान दिए, आपने एक दूसरे को डिमोलिश करने की बात कही थी, और विडंबनापूर्ण लगता पीडीपी ने भी